मध्य रेल नागपुर विभागीय मंडल प्रबंधक ऋचा खरे ने आगामी आर्थिक वर्ष 2022-2023 के प्रास्ताविक कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नागपुर मंडल के लिए प्रस्तावित प्रावधानों एवं विकास कार्यों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। 42 करोड़ का अलॉटमेंट है। डबलिंग के लिए कितना होगा? डबलिंग के लिए 1100 करोड़। जो मेन जो अलॉटमेंट है उसका मैं थोड़ा बहुत आपको जायजा दे। जो बजट पेश हुआ है उसमें रेलवे बजट भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और नागपुर मंडल का जहाँ तक सवाल है, इस साल में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स, जिसमें कि सेफ्टी पे खास और पैसेंजर एमिनिटीज़ पे जोर दिया गया है, उसके लिए करीब 2350 करोड़ का आउटले है। उसके अलावा कुछ अम्ब्रेला वर्क्स सैंक्शन हुए हैं सेंट्रल रेलवे के लिए, उसमें भी कुछ और वर्क्स सैंक्शन होंगे नागपुर डिवीज़न के लिए। स्टेशन रीडेवलपमेंट जो एक नया अभी जिसके ऊपर बहुत एम्फेसिस है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसमें नागपुर डिवीज़न के 2 इम्पॉर्टेंट स्टेशन हैं जो कि फेज़ 1 में जिनको कवर किया जाना है। एक नागपुर स्टेशन है और उसके अलावा अजनी स्टेशन है, वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एजेंसीज जो हैं जो उस काम को कराएंगी वो तय हो चुकी हैं। नागपुर स्टेशन जो है वो RLDA कराएगा, और अजनी का जो इंटरमोडल स्टेशन के नाम से पहले से चल रहा है प्रोजेक्ट, वो NHAI और उनकी जो बॉडीज हैं वो करेंगे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।